Hello student, myself Arnav Chatterjee, EO Chemistry sir. आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ CFAC वैल्यू फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CFAC वैल्यू? इट स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. मान लो दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स दिया गया है ए और बी, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो अगर हमें पता करना है विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, तो हम इसको बड़ा आसान तरीके से कर सकते हैं ओनली बाय यूजिंग CFAC वैल्यू यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यू. जिस कॉम्प्लेक्स का CFAC वैल्यू ज़्यादा होगा वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसका CFC वैल्यू कम होगा, मिनिमम होगा, वो कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होता है. तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि हम लोग CFAC वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है T2G और EG सेट में. T2G सेट और EG सेट में जो डी ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल मेटल आयन के, जब ये सेंट्रल मेटल आयन अप्रोच करता है बाय द लिगेंड टू एन अनइक्वल डिस्टेंस, तो डी ऑर्बिटल का जो डी जेनरेसी है वो रिमूव हो जाता है और DXZ जैसे ऑर्बिटल लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं आने के कारण इनका एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है. और कितना डिक्रीज करता है, यहाँ पर हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे -0.4 डेलो. और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल यानी DZ² और DX²-Y² वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये लिगेंड के डायरेक्शन में आने के कारण इनका एनर्जी इंक्रीज करता है. कितना इंक्रीज करता है, +0.6 डेल ओ. और डिफरेंस ऑफ एनर्जी के कारण देख सकते हो जो डी ऑर्बिटल्स है, 5 डी ऑर्बिटल्स जो है दो पार्ट में ब्रेक करता है T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल. और इस ब्रेकिंग को करने के लिए, इस स्प्लिटिंग को करने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है दैट एनर्जी इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो हम यहाँ पर डेल ओ के फॉर्म में यहाँ हमने ऑलरेडी शो करके रखा हुआ है. तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे CFAC वैल्यू फाइंड करते हैं. देख सकते हो यहाँ पर CFAC यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू -0.4P +0.6Q डेल ओ +MP. तो यहाँ पर पी का और क्यू का मीनिंग क्या है इसको समझ लो. पी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द T2G सेट, यानी T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं पी. और क्यू जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द EG सेट ऑफ ऑर्बिटल यानी इनमें. और M क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और P क्या है, पेयरिंग एनर्जी. यहाँ पर ध्यान दो डेल O यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इक्वल टू 10 DQ होता है. तो अगर डेल O की जगह में 10 DQ हम यहाँ रखें तो ये सारे टर्म बड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. CFAC इक्वल टू -4P +6Q DQ +MP. तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग
बहुत आसान तरीके से दिए हुए ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स का सीएफएसी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से सीएफसी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, T2G को क्या कहते हैं, ट्रिपली डीजेनरेट स्टेट, यानी ये जो ऑर्बिटल्स हैं DXY, DYZ, DXZ, इनका एनर्जी सेम रहता है, और EG सेट को क्या कहते हैं, डबली डीजेनरेट स्टेट, यानी ये जो दो ऑर्बिटल हैं DZ² और DX² - Y², इनका भी एनर्जी सेम रहता है और इन्हें कहा जाता है डबली डीजेनरेट स्टेट। अब हम लोग के लिए एक काम करना और बाकी है कि हमें इलेक्ट्रॉन को फिल्ड करना है डी ऑर्बिटल्स में दिए हुए ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स के लिए इन द फॉर्म ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल T2G और EG सेट पे। तो यहाँ पर ध्यान से एक पॉइंट को एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, और वो ये है कि अगर लिगेंड स्ट्रांग रहा तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होगा, अगेंस्ट द वुंड्स रूल, यानी T2G में ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएगा, और अगर लिगेंड वीक रहा तो पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होगा T2G और EG में, और उसके बाद पेयरिंग पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर सपोज करो D में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ किस में जाएगा, T2G में जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G1 EG0। इसका मतलब क्या है, P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और Q में 0। P और Q में केवल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भर देना है तो हमारा ये फॉर्म मिल जाएगा। और M का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है जो सिंगली फिल्ड है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड में भी लागू होगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी अप्लाई होगा। इसके बाद मान लो हम लेते हैं D में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन D में अगर लेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से, पहले यहाँ पर D के 4 इलेक्ट्रॉन को डालना है, और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन पहले बनाना है, पहले T2G में एक एक करके फिर EG में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, T2G कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, T2G 3, EG 1, ये आ गया वीक फील्ड यानी वीक लिगेंड के केस में, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर रहता तो यहाँ पर T2G 4, EG 0। मान लो इसी काम को स्ट्रॉन्ग लिगेंड में करते तो यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन इसी में चला जाता, तो T2G 4 EG 0 ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो इस प्रकार से जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड कर लेते हैं वीक फील्ड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड में, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे वीक फील्ड में यहाँ देखो P में कितना इलेक्ट्रॉन, 3, Q में कितना है, 1, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में P में कितना है, 4, और Q में कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन। और इस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड में एक पेयर, तो M के जगह में हम केवल लिखेंगे 1P, या सिंपली लिख सकते हैं P। तो इस प्रकार से किसी भी कॉम्प्लेक्स का, कोई भी ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स का, हम बहुत आसान तरीके से इलेक्ट्रॉन को फील्ड करते हैं डी ऑर्बिटल्स के 2 फॉर्म में, T2G और EG में, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, और जो अरेंजमेंट हमें मिलता है उस अरेंजमेंट से हम लोग यहाँ पर CFAC का वैल्यू बहुत आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं।
यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पहले हम यहाँ डाल के रखे हुए हैं। सी एफ एस सी का मीनिंग क्या होता है, पहले ही मैंने बताया, क्रिस्टल फिट स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब मान लो कुछ डाटा दिया हुआ है और वो डाटा क्या है, डेलो ग्रेटर देन पी, यानी क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग एनर्जी और ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, पी स्टैंड्स फॉर पेयरिंग एनर्जी। अगर ऐसा होता है तो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लो स्ट्रीम कॉम्प्लेक्स। और लो स्ट्रीम कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया कि जो लिगेंड है वो लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी नेचर ऑफ लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर है डेलो लेस देन पी। अगर ऐसा डेटा दिया हुआ है तो जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी हाई स्ट्रीम कॉम्प्लेक्स। और हाई स्ट्रीम कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि दिए हुए ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो वीक फिट लिगेंड है। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, और ये भी मैंने पहले ही बता दिया है कि हायर द सी एफ एस सी वैल्यू मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। दिए हुए कॉम्प्लेक्स का सी एफ सी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया वन बाय वन। तुम लोगों को क्या करना है, सी एफ एस सी वैल्यू निकालना है डी वन से लेकर डी टेन तक। एक बार फिर से ध्यान से समझ लो, डी वन से लेकर डी टेन तक, एक बार वीक फील्ड में और एक बार स्ट्रांग फील्ड में, यानी वीक लिगेंड और स्ट्रांग लिगेंड। और जैसे ही तुम इसको करोगे सारे डेटा जो हैं पी क्यू एम, ये तुम लोग को थोड़ा ध्यान से फाइंड आउट करना पड़ेगा। टी टू जी सेट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दैट इज इक्वल टू पी, ई जी सेट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्यू, और जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें एम से डिनोट किया जाता है, यानी एम के जगह में नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर लिख देना है, और पी स्टैंड्स फॉर पेयरिंग एनर्जी। तो इससे क्या होगा, किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स अगर तुम्हें दिया जाए, स्ट्रांग फील्ड में रहे या वीक फील्ड में रहे, तो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी तुम लोग बहुत आसानी से चेक कर सकते हो और सी एफ सी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो लेक्चर तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और क्लास को ऑफ करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, और वो ये है कि इस सीरीज़ में बहुत सारे पहले हमने टॉपिक पढ़ाए हैं, उन सारे टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से अगर देख लोगे तो आज का टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इससे बनने वाले जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो बहुत आसानी से तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। और लास्ट में चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।